कृपया ध्यान दीजिए, हम दिल्ली के टर्मिनल 2 पर पहुंच गए। धन्यवाद। देवभूमि में आए हैं और ट्रिप की शुरुआत बाबा भोलेनाथ के दर्शन से हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जेंटलमैन, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। कितनी उम्र है आपकी? टप्पी अच्छा 90 80 टप्पी साल और 90 को 86 86 सलाम आपको। लो जी, अपन अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं बिजली महादेव। 100 रुपये का रख दिया मैंने, समझ नहीं आ रहा मेरे को। आपको चाहिए? हाँ, दो और दे दो ना। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। आ गए भाई बिजली महादेव। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, देवी भोलेनाथ शंभुरे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, शुद्ध देव हे महेश्वरा। जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये
जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। यहाँ पे महादेव जी का नाम बिजली महादेव क्यों है? क्योंकि हर 12 साल में यहाँ पे जो शिवलिंग है उसके ऊपर बिजली गिरती है और शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो यहाँ का पुजारी है वो सारे टुकड़े ढूंढ के लाता है, उसके ऊपर मक्खन चढ़ाते हैं और वो फिर से कुछ टाइम के बाद वो फिर से सॉलिड हो जाता है, मतलब उसको जमा देते हैं। हाँ, उसको जमा, मक्खन से उसको जमा देते हैं। यस यस, गजब। मैंने ये भी सुना है कि कई लोगों को बोलते हुए कि जब आप शिवलिंग के पास अपना कान ले जाते हो तो आपको ब्यास की कुछ आवाज़ आती है ऐसे। हाँ हाँ, जो शिवलिंग है ना उसका सीधे नीचे लिंग कहना भाई, ब्यास में दिख जा, ये जो बाउंड्री है ना ये पहाड़ी है, जैसे इसका एंड यहाँ पे हुआ है और जहाँ पे शिवलिंग है वहाँ पर त्रिशूल गड़ा है, उसका सीधे डायरेक्ट नदी के साथ लिंग के नीचे। ओके, बोलते हैं कई लोग की उसमें आवाज आती है। आया कई बार जब सांप पे स्पाई करते हैं तो फिर रात में रेती आ जाती है कई बार। अच्छा, अगर जैसे जो भी जो वो शिवलिंग जो खंडित हुआ, शिवलिंग जो खंडित हुई तो उसके पार्ट तो अलग अलग हो जाते होंगे, तो वो कैसे मिलता है कि कौन सा वो पुजारी को ही मिलेगा सारा भाई, उसके सपने में आएगा कहाँ पार्ट गिरा है सब कुछ, उसको लगेगा कि तड़प रहा है कहीं, उसको खुद दिखाई देगा, मतलब वो ढूंढ के लेकर तड़पता हुआ, जैसे अगर जो टुकड़ा है वो तड़प रहा होगा कहीं गिरा होगा तो। सावन में आए बहुत रश था, सावन में भी बहुत रश, कैंपिंग के लिए भी आते हैं बहुत सारे यहाँ पे सावन में, तो मतलब यहाँ ग्राउंड में 100-100 टेंट लगे होते हैं, ऐसे शनिवार को जिसका भंडारा होता है बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग भी टेंट लाके लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ आपने भी ला सकते हैं, जानवर वगैरह का हम भी देते हैं, जैसे यहाँ रहने का कोई आए के एक दिन रहना चाहे रहने का भी कैंप अपने वहाँ है। ये लोगों ने बताया अच्छा कि 3 शेयरिंग वाला है, 500 पर्सन पर पर्सन, उसमें डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। 500 पर पर्सन पर टेंट नहीं है, पर टेंट 1000। अच्छा, 1000 में 3 घुस जाओ फिर, और फिर उनको खाना पीना फास्ट और डिनर डिनर। तो ये था जी बिजली महादेव। हो गया उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया, अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ, अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ, न माने तो उसको डांट भी लगाओ। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया, मेरा दिल कहीं सपनों में मेरे वो रोज आता और जाता है, सम वो अपने मुझको भी रोज बुलाता।